आज हम देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है और जब हमारे पास एक डेंटल पेशेंट आता है या मैक्सिलोफेशियल पेशेंट आता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और क्या हम इसमें जो है वो एवेलुएट करते हैं एट द एंड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को। आज फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंस्पेक्शन, उसके बाद है पैल्पेशन, उसके बाद है परकशन, उसके बाद है ऑस्कल्टेशन। अब ये सारे स्टेप्स हमारी जो ओरल कैविटी है या मैक्सिलोफेशियल कैविटी है, हेड एंड नेक का एरिया है, ये सारे स्टेप्स हर स्ट्रक्चर पे नहीं अप्लाई हो सकते लेकिन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई होते हैं। लेकिन हमने जहाँ पे जो स्टेप अप्लाई होता है वो हम सारे देखेंगे आज। तो सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब हम पेशेंट को देखते हैं कि हमारे सामने पेशेंट, हमारी नज़रों के सामने पेशेंट आ गया है, तो इंस्पेक्शन हमारी शुरू हो जाती है। जैसे ही पेशेंट एंटर होता है तो हम देखते हैं कि वो कैसे एंटर हो रहा है। अगर वो पेन के साथ है तो हो सकता है उसको दांत में दर्द है तो वो यूं हाथ रख के आ रहा होगा। हो सकता है अगर वो किसी पल्पाइटिस के साथ आ रहा है तो उसके हाथ में पानी की बोतल हो सकती है। इसी तरह से अगर पेशेंट है कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है तो वो स्ट्रेचर पे आ रहा है, उसको दो लोगों ने होल्ड किया हुआ है, या वो खुद चल के आ रहा है, उसकी बॉडी कितनी है, उसकी ज़रा एक जनरल एवेल्यूएशन हमें नज़र आ जाती है। तो ये सारा जो स्टेप है ये सारे इंस्पेक्शन के हैं। मज़ीद अब हमारे पास जब पेशेंट आ गया है तो इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। अब हमने जब हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन, हम जब एक डेंटल केयर में बैठे होते हैं तो वहाँ पे हमें हेड एंड नेक को देखना है। तो ये हेड एंड नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली हम देख रहे हैं आज। तो हेड एंड नेक में सबसे पहले जो इंस्पेक्शन है वो हम शुरू करते हैं स्टार्ट से। जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है, आप इंस्पेक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेड है, तो हेड के हमने इंस्पेक्शन क्या करनी है, हमने हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। उसके बाद हेयर की जो है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस किस जगह पे, हेयर लॉस तो नहीं है, हेयर लॉस देख लेना है। उसके बाद हमने हेड के ऊपर एयर पे जाना है तो एयर की सिमेट्री देख लेनी है, सिमेट्री देख लेनी है। उसके बाद कि वो एयर से मतलब है कि वी उसकी जो हेयरिंग है वो लॉस तो नहीं है, उसकी हेयरिंग नॉर्मल है, टिनाइटस तो नहीं है उसको उसका, या हाइपर एक्यूसिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेंगे। एयर के हेड हो गया, एयर हो गया, उसके बाद फोरहेड हो गया। ये हम अभी सिर्फ जो है ना देख रहे हैं और हमसे समझ आ रहा है। अब देखें हेयर, एयर को हमने एग्जामिनेशन किया है हेयरिंग के लिए, तो जैसे ही हम वो किस तरह करना है वो सामने आएगा तो हम उससे बात करेंगे, अगर वो सुन रहा है तो उसकी हेयरिंग ठीक है। इसी तरह फोरहेड पे जो है हम फोरहेड की जो है वो शेप को एक दफ़ा देख लेंगे, उस पर कोई लेसरेशन है, कोई उस पर लॉस ऑफ रिंकल्स, ये कुछ चीज़ें हम देख लेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे आइज़ पे, तो आइज़ में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले शेप, उसकी आइज़ की शेप कैसी है, ओपनिंग कैसी है, उसके बाद उसकी सिमेट्री कैसी है दोनों आँखों की, और इसके अलावा उसकी विजन, इसके अलावा उसकी गेज़, इसके अलावा उसकी जो है वो प्यूपल की मूव, जो कंस्ट्रिक्शन है या रिलैक्सेशन है, इसके अलावा उसकी हमने कंजक्टाइवा कलर और स्क्लेरा का कलर, और इसके अलावा हम उसके जो है वो आई मूवमेंट, उसका रिस्पांस, ये सारा कुछ हम देख लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे नोज़ पे, तो नोज़ पे हम क्या देखेंगे, नोज़ पे हम जो है ना सबसे पहले तो उसकी जो है वो जो नोज़ का जो काम है वो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल हम देख लेंगे कि उसे ठीक है। इसके अलावा हम उसकी जो नेज़ल पेटेंसी है वो चेक कर लेंगे, उसकी जो सेप्टम है वो हम देख लेंगे, ये कुछ चीज़ें नोज़ में आ जाएंगी। तो उसके बाद हम नोज़ से नीचे हम जो है वो लिप्स को देख लेंगे, आर्बिकुलरिस जो ओरस मसल है उसको देख लेंगे, उसकी एक्टिविटी देख लेंगे, कोई लेसरेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग है, उसकी मूवमेंट है, ये देख लेंगे। तो ये एक जनरल सा हमने क्या किया, ये इंस्पेक्शन हो रही है, सिर्फ हम देख रहे हैं चीज़ों को कि कहीं पे कोई सिमेट्री, फेस की ओवरऑल फेस की सिमेट्री हम देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं पैल्पेशन के प्रोसेस को देखते हैं। अब पैल्पेशन में सबसे पहले देखें, अब पैल्पेट हम उस चीज़ को करते हैं जो चीज़ हमें कोई स्वेलिंग हो गई जिस तरह से, या कोई स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमने उसकी क्या देखने के लिए पैल्पेशन हम करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम उस चीज़ की कोई अगर उसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए
कि वो चीज़ हार्ड है, फ्लूडिश है, या वो फर्म है, या किस तरह से है वो कंसिस्टेंसी। उसके बाद उसका टेम्परेचर हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है या हॉट है, ये चीज़ें हम देखते हैं पल्पेशन में। और उसकी उसके बाद उसकी जो एजेस हैं वो लोकलाइज्ड हैं, वो डिफ्यूज्ड हैं, ये भी हमें जो है ना उसकी लोकलाइजेशन भी पल्पेशन से समझ में आती है। अब कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हम पल्पेट करेंगे हेड एंड नेक में? तो सबसे पहले पल्पेशन के लिए अगर हमारे पास हेड एंड नेक ट्रॉमा का पेशेंट आया है, तो सबसे पहले जब हमने उसके पल्पेशन पे जाना है तो सबसे पहले हमने सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को देखने के लिए हमने नेक के पीछे वाला ये एरिया ऐसे इसे आराम से जेंटली पल्पेट करना है। इससे अगर उसको पेनफुल है ये एरिया तो इसका मतलब है उसको शायद हो सकता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है। इसके बाद हम उसके हेड को जनरली पल्पेट करेंगे कि कहीं पे कोई बालों के अंदर भी कि कहीं पे कोई लैसिरेशन है या कोई ऐसा हिडन कोई ट्रॉमा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे पेशेंट पेनफुल होगा, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हुए हम अगर हम उधर देखें हेड एंड नेक ट्रॉमा में देखें तो हम पूरे ये जो हमारी सुपराऑर्बिटल रिम है, इंफ्राऑर्बिटल रिम है, उसको हम देखेंगे, FZ को देखेंगे, और ये पल्पेट करते हुए हम यहाँ पे नेजल ब्रिज को पल्पेट करेंगे। तो ये उसके बाद लोअर बॉर्डर ऑफ जो मैंडिबल है उसको करेंगे, कंडाइलर एरिया को, TMJ के एरिया को पल्पेट करेंगे। लेकिन जनरल जब पेशेंट आया तो उसको पल्पेशन के लिए जो मेन जगह हैं जिनको हम पल्पेट करते हैं वो एक तो है TMJ और दूसरा है सिलिवरी ग्लैंड्स की खास तौर पे जो सब मैंडिबुलर है, और सब तो उस सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो उसके हम बाई मैनुअल पल्पेशन करते हैं। और इसके अलावा हम जो है थायराइड ग्लैंड, इसको हम पल्पेट करेंगे, इसका साइज़ देखेंगे, सिलिवरी ग्लैंड्स का भी साइज़ देखेंगे, टेंडरनेस देखेंगे। हाँ, ये एक चीज़ मैंने नहीं लिखी कि हम पल्पेशन टेंडरनेस के लिए भी करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, पल्पेशन में आ गया हम। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा परकशन का। तो जनरली जो हम एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, उसमें जो है हम जो परकशन करते हैं वो हम लंग्स पे परकशन करते हैं, लेकिन इधर जो हेड एंड नेक पे हम परकशन करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ कहाँ परकशन कर सकते हैं? जो ओरल कैविटी में अगर देखें तो हम टीथ को परकस करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पैरानेजल साइनसेस हैं इन दो जगहों को हम परकस करके चेक करते हैं कि इसमें पेन है, टेंडरनेस है कोई। तो उसके बाद परकशन हो गई, उसके बाद आस्कल्टेशन पे आते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम आस्कल्टेशन करते हैं। आस्कल्टेशन में हमारे पास जो है वो दो मेन जगह हैं जहाँ पे हम आस्कल्टेशन करते हैं, एक तो TMJ में आस्कल्टेशन हम करते हैं क्लिकिंग के लिए या क्रेपिटस के लिए, और इसके अलावा हम कैरोटिड नेक में हम जब आते हैं तो कैरोटिड ब्रोई हम सुनने के लिए आस्कल्टेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेड एंड नेक एग्जामिनेशन में हम करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या कहाँ करते हैं, पल्पेशन कहाँ करते हैं, परकशन और आस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। इस सारे चीज़ों के बाद हम कुछ डिसाइड करते हैं और उसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेटस एवेलुएशन। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, फिजिकल स्टेटस हमने, अब हमने क्या किया, फिजिकल स्टेटस को एवेलुएट फाइनली हमने करना है ये सारी स्टेप्स के बाद। अब हर पेशेंट एक जैसा तो नहीं फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, किसी का किस तरह से होगा, किसी का किस तरह से होगा, तो हमने कैटेगराइजेशन करनी है कि कौन सा पेशेंट किस फिजिकल स्टेटस में है। उसके लिए हमें जो एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास उसको हम ASA क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो हमें दी है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन ने। ASA क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हम करते हैं जिसको हम ASA क्लासिफिकेशन कहते हैं, ASA क्लासिफिकेशन फॉर फिजिकल स्टेटस। तो उसमें ASA का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब ये जो हमें क्लासिफिकेशन दी है, आज इस क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस क्लासिफिकेशन से हमें ये आइडिया होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट हम कब कर सकते हैं, कौन सा कब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्लास वन कौन सा पेशेंट है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट। ये वो पेशेंट है जिसको हम ट्रीटमेंट नॉर्मल कर सकते हैं, नथिंग टू वरी, हम क्लिनिक में नॉर्मल सेटअप में हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, कोई भी हमने दांत निकालना है, हमने रूट कैनाल करनी है, कोई भी ट्रीटमेंट है, ये होगा क्लास वन का पेशेंट। क्लास टू का वो पेशेंट होता है पेशेंट विद माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज दैट इज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क फैक्टर। अब ये वो पेशेंट है जिसको एक माइल्ड डिजीज़ है
लेकिन इतना ज़्यादा सवेयर नहीं है, लेकिन वो फिर भी हेल्थ रिस्क फैक्टर ज़रूर है उसका। वो क्लास टू में आएगा जिसको भी माइल्ड डिजीज़ है। क्लास थ्री है पेशेंट विद सवेयर सिस्टेमिक डिजीज़ दैट इज़ नॉट इनकैपेसिटेटिंग। उसके बाद क्लास फोर आ जाता है। क्लास फोर में ये है पेशेंट विद सवेयर डिजीज़ सिस्टेमिक डिजीज़ विच इज़ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ। अब क्लास फाइव क्या है? क्लास फाइव ये है कि ऐसा पेशेंट विच इज़ नॉट सपोज्ड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन। कोई ऐसा प्रॉब्लम है पेशेंट को कि अब अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो बच ही नहीं सकता, उसकी मतलब लाइफ इन डेंजर हो चुकी है, तो वो क्लास फाइव में है। और एंड पे है क्लास सिक्स। क्लास सिक्स वो पेशेंट है ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड पेशेंट। अब ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड पेशेंट खैर आपके पास तो नहीं आएगा क्लिनिक पे या आपके डिपार्टमेंट में भी शायद, लेकिन ये क्लास सिक्स है कि इसमें ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड पेशेंट है और उसके जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की स्टेज पे है कि हम उसके ऑर्गन्स को भी निकाल के ट्रांसप्लांट करें। तो ये क्लास छः क्लासेस हमारे पास आ जाती हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने जो हमें दी हैं। नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो क्लासेस आ गई हैं, अब ये जो क्लासेस हैं हमारे पास ये छः क्लासेस आ गई हैं, तो हमने ये करना है कि हमने जब क्लास वन का पेशेंट हमारे पास है नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, उसको तो हमने कंटिन्यू करना है, उसका जो प्रोसीजर हमने कंटिन्यू करना है। लेकिन इसके बाद कोई पेशेंट अगर क्लास टू या क्लास थ्री में फॉल कर रहा है तो उस तरह के पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, चार स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है कि हमने एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल ये हमने फॉलो करना है। इसके लिए हमने हमारे पास दो तरीके हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल नॉन फार्माकोलॉजी की ये है कि उसको आप रिलैक्स करें पेशेंट को, उसको प्रोसीजर के बारे में आगाह करें, उसको रीअश्योरेंस करें, वर्बल रीअश्योरेंसेस करें, और उसके अलावा उसको मॉर्निंग अपॉइंटमेंट दें, उसकी सर्जरी के टाइम को कम करें, सर्जरी उसके लिए ज़रा सूदिंग बनाएं, उसको कोई डराए ना बार बार। तो ये हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल ये है कि हम उसको सीडेटिव दे सकते हैं, एंग्जियोलाइटिक दे सकते हैं ताकि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स करे, अगर वो क्लास टू या थ्री या उसके आगे है, नॉर्मल पेशेंट नहीं है, उसको कोई डिजीज़ है। तो इसको हम सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने उसकी एंग्जाइटी रिडक्शन करनी है। और इसके अलावा दूसरा स्टेप ये है कि हम मेडिकल कंसल्टेशन लेंगे उस पेशेंट की, कि अगर उसको फ़र्ज़ किया वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो वो कंसल्टेशन लेंगे कि आया कि हम उसे स्पाइन पोजीशन में लिटा सकते हैं कि नहीं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का इशू है, उसे हमने जो है रिक्लाइनिंग पोजीशन में ज़्यादा नहीं लेके जाना होता, उसको अपराइट पोजीशन में रखना होता है। इसी तरह सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम, उसके मेडिकल कंसल्टेशन हम उसकी ले लेते हैं, तो साफ ज़रा कोई भी डिजीज़ है तो उसके बारे में। तीसरा यह है कि आप रिफ्यूज़ कर दें, रिफ्यूज़ल, कि आपने कहें मैंने ये पेशेंट हो ही नहीं सकता नॉर्मल सिटिंग में, तो इसके लिए हमें जीए में जाना पड़ेगा, एक पूरी अप्रोच को देखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसको डेफर कर दें आप। तो और चौथा स्टेप ये है कि इसको आप रेफर करें, रेफर टू ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आप रेफर कर दें, रिफ्यूज़ल कर दें, मेडिकल कंसल्टेशन ले लें, एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ये फिज़िकल स्टेटस एवेलुएशन के बाद आपने डिसाइड करना है। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास क्लास वन से, मतलब वो हेल्दी नॉर्मल नहीं है, तो हम इन चारों में से सबसे पहले ये तो लाजमी है, कोई भी माइल्ड डिजीज़ के साथ भी है तो एंग्जाइटी रिडक्शन, अगर सवेयर डिजीज़ है तो उसमें मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसको हम रिफ्यूज़ल कर सकते हैं कि उसको नॉर्मल सिटिंग में हम नहीं कर सकते, लेटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं आप उसके जो एवेलुएशन है सिस्टेमिक डिजीज़ को कंट्रोल करवा के, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो ये था आज हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन पढ़ा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट को देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।